Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are doing very well. Here, we are going to discuss next one of the latest cue cards, namely, describe a time when you missed an appointment. Bullet points. It's bullet points. First one is when and where it happened. Kab aur kahan pe ye hua? What the appointment was for? What happened when you missed it? And explain how you felt about missing the appointment. Now let's read my sample answer. Well, at times people fail to attend appointments after scheduling them. At times it means ke sometimes log kya asafal ho jate hain, fail ho jate hain attend karne mein, okay, attend karne mein appointments ko after scheduling them. Scheduling it means ke after arranging them, unhe arrange karne ke baad kai baar asafal ho jate hain, nahi kar pate hain appointments ko, attend nahi kar pate. It's a common occurrence. It's a common occurrence. It means के ये आम सी ये आम बात है, क्योंकि आम होने वाली ये बात है. It can happen due to forgetful nature, या फिर बोल सकते हो it can happen due to because of, okay, because of किसके कारण ये हो सकता है. It can happen ये हो सकता है due to because of किसके कारण forgetfulness, या आप बोल सकते हो due to our forgetful nature, हमारा जो भूलने वाली आदत होने के कारण, nature होने के कारण, carelessness हमारी लापरवाही के कारण, और अदर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, अनअवॉइडेबल जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते, ओके, कुछ भी ऐसा जो आ गया, ओके, सो उसे हम समथिंग अर्जेंट केम अप, ओके, और समथिंग एल्स लाइक दैट, सो उसकी वजह से उसे हम अवॉइड नहीं कर पाते उस सिचुएशन को, सर्कमस्टांस को, ओके, सर्कमस्टांसेस. तो ये रीजंस हैं, ओके, जिसके कारण हम ऐसा होता है कि हम कर नहीं पाते जो मीटिंग होती हैं, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उन्हें अटेंड नहीं कर पाते. अ कपल ऑफ मंथ्स अगो अ सिमिलर सिचुएशन अकर्ड विद मी, या फिर हैपेंड विद मी, सिमिलर इंसिडेंट आप बोल सकते हो, इवेंट बोल सकते हो, ओके. सो कुछ मंथ्स पहले की बात है, सेम ही सिचुएशन जो है इंसिडेंट मेरे साथ हुआ. When I failed to stick with my punctuality, जब मैं फेल हो गई थी अपनी पंक्चुअलिटी के साथ स्टिक रहने से, फेल हो गई थी, असफल हो गई थी, इट मीन्स के एट दैट टाइम आई वॉज नॉट पंक्चुअल, आई डिडंट डू समथिंग ऑन टाइम, ऑन प्रॉपर टाइम, मैंने कोई चीज़ टाइम पे नहीं गई थी, आई फॉरगॉट समथिंग, कुछ मैं भूल गई थी, आई वॉज नॉट पंक्चुअल, ओके, और मैंने कुछ टाइम पे नहीं किया था, तो उस टाइम पे मैं फेल हो गई थी, असफल हो गई थी स्टिक रहने से, ओके, विद माई पंक्चुअलिटी. I was supposed to meet with my bosom friend at his abode. मैंने मिलना था अपने bosom friend, अपने जिगरी दोस्त, अपना bosom friend, इसको बोलेंगे close friend बोल सकते हो, best friend बोल सकते हो, आपका जो जिगरी दोस्त उससे, okay, उसको बोलते हैं bosom friend. So मैंने मिलना था, I was supposed to meet with my bosom friend at his abode. It means के at his house या फिर at his home. Actually our exams were around the corner. एक्चुअली बात ये थी कि एक्चुअली की जगह पे, एक्चुअली दरअसल बात ये थी, इसकी जगह पे आप बोल सकते हो द रीज़न वॉज दैट, द फैक्ट वॉज दैट, या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ओके, दरअसल बात ये थी कि द फैक्ट वॉज दैट माई एग्ज़ाम्स, या फिर आर एग्ज़ाम्स वर अराउंड द कॉर्नर, ओके, हमारे जो एग्ज़ाम्स थे वो अराउंड द कॉर्नर, इट मीन्स के कमिंग सून, जब आप बोलते हो समथिंग दैट इज़ अराउंड द कॉर्नर, इसका मीनिंग है कि यू आर सेइंग दैट समथिंग इज़ कमिंग सून, ओके, कोई चीज़ जल्द आ रही है, अराउंड द कॉर्नर इट मीन्स के कमिंग सून, सो हमारे एग्ज़ाम्स जो थे वो नियर थे, ओके, कमिंग सून, जल्द आ रहे थे. एंड माई फ्रेंड वॉज नॉट दैट गुड इन इंग्लिश, और मेरा फ्रेंड जो था वो इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं था, सो ही वॉन्टेड मी टू हेल्प हिम विद दिस सब्जेक्ट ऑन वीकेंड, सो उसने वो चाहता था कि मैं उसकी हेल्प करूँ इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, इंग्लिश में उसकी हेल्प करूँ ऑन वीकेंड, वीकेंड पे. द अपॉइंटमेंट, या फिर बोल सकते हो द मीटिंग, ओके, या फिर ईदर स्पीक मीटिंग और अपॉइंटमेंट. द अपॉइंटमेंट या फिर मीटिंग वॉज अरेंज्ड या फिर स्केजुअल्ड, ओके, दिस मीटिंग या फिर दिस अपॉइंटमेंट वॉज अरेंज्ड और यू कैन से स्केजुअल्ड, इट मीन्स कि अरेंज की गई ऑन संडे, संडे को एट फोर ओ क्लॉक, ओके, इन द इवनिंग, शाम के समय. द सेम संडे मॉर्निंग, सेम संडे को, ओके, वही संडे को जो मॉर्निंग के टाइम माई कज़न केम टू माई होम, मेरा कज़न मेरे घर पे आया एंड रिक्वेस्टेड मी टू गो अलॉन्ग विद हिम फॉर शॉपिंग, और उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं उसके साथ जाऊँ शॉपिंग के लिए. I couldn't turn him down. I couldn't. मैं नहीं कर सका उसकी जो उसने जो रिक्वेस्ट की थी उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया. It means के I couldn't turn him down. I thought that मैंने सोचा कि
आई विल रिटर्न होम, मैं घर को वापस आ जाऊँगा, मुड़ आऊँगा, ओके, बाय 3 o'clock. 3 o'clock इट मीन्स के 3 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा एंड विल बी एबल टू मीट विद माई फ्रेंड. और मैं एबल हूँगा अपने होंगी या हूँगा अपने फ्रेंड को मिलने मिल पाऊँगा. ओके, आई विल बी एबल टू मीट विद माई फ्रेंड, और मैं अपने फ्रेंड को फ्रेंड के घर जा पाऊँगा. ओके, आफ्टर इट, इसके बाद आई गॉट रेडी इन अजीफी. इन अजीफी इट मीन्स के तुरंत, ओके, तुरंत ही मैं इन अजीफी इट मीन्स के इन अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में इन अजीफी, देखते देखते ही मैं आई गॉट रेडी, इट मीन्स के मैं तैयार हो गया, रेडी हो गया एंड वेंट विद हिम, और उसके साथ चला गया. वी वेंट टू आर रिनाउंड शॉपिंग मॉल ऑफ आर सिटी. हम गए एक रिनाउंड इट मीन्स के जो फेमस वेल नॉन शॉपिंग मॉल था हमारी सिटी का, वहाँ पे गए. वी वर सो इंग्रोस्ड इन शॉपिंग दैट द मीटिंग या फिर द अपॉइंटमेंट कम्प्लीटली या फिर एंटायरली या फिर टोटली स्लिप्ड माई माइंड. कि हम इतना ज़्यादा शॉपिंग में खो गए थे कि मेरे माइंड से स्लिप हो गया था कम्प्लीटली या फिर एंटायरली या फिर टोटली जो मीटिंग थी, अपॉइंटमेंट थी, वो कम्प्लीटली मेरे माइंड से निकली गई थी. ओके, एट ऑल बिल्कुल भी मुझे याद नहीं आया, मैं भूल ही गई थी इसके बारे में. ऑल ऑफ अ सडन आई लुक्ड एट माई वॉच, ऑल ऑफ अ सडन सडनली अचानक से मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, इट वॉज 2 o'clock, 2 बजे थे. एंड इमीडिएटली वी फुट द बिल, अचानक से, ओके, सॉरी, तुरंत हमने क्या, फुट द बिल इट मीन्स के पे द बिल, हमने बिल को बिल पे किया एंड लेफ्ट फॉर होम, और घर के लिए निकल पड़े. ऑन द वे द रोड वॉज जैम्ड विद व्हीकल्स, दे वर मूविंग एट अ स्नेल्स पेस. ऑन द वे रास्ते में क्या था, ट्रैफिक जैम था. ओके, द रोड वॉज जैम्ड या फिर पैक्ड, आप बोल सकते हो कि जैम्ड विद व्हीकल्स, व्हीकल्स के साथ भरा हुआ था, ओके, जैम था. दे वर मूविंग, जो व्हीकल्स थे वो मूव कर रहे थे एट अ स्नेल्स पेस, इट मीन्स के वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे जा रहे थे, मूव कर रहे थे एट अ स्नेल्स पेस, इट मीन्स के वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे. इट टुक अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 2 hours टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, या फिर टू गेट आउट ऑफ दिस ट्रैफिक जैम, या फिर ट्रैफिक कंजेशन. इस ट्रैफिक कंजेशन जैम से बाहर आने के लिए हमें 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगा. एंड रिजल्टेंटली या फिर एज अ रिजल्ट, और रिजल्टेंटली या फिर एज अ रिजल्ट, इसका मीनिंग है कि नतीजे के तौर पे, आई मिस द मीटिंग, मैंने मीटिंग को, अपॉइंटमेंट आप बोल सकते हो, आई मिस द अपॉइंटमेंट या फिर मीटिंग, ओके, मीटिंग को मैंने मिस कर दिया. विच वॉज क्रूशल फॉर माई फ्रेंड, जो क्रूशल थी, वैल्यूएबल थी, क्रूशल थी, इट मीन्स के वेरी इंपॉर्टेंट, ये मीटिंग वेरी इंपॉर्टेंट थी मेरे फ्रेंड के लिए. ओके, विच वॉज क्रूशल फॉर माई फ्रेंड. आफ्टर रीचिंग होम, घर जाकर, आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुँच कर, आई मेड अ कॉल टू हिम, मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, या फिर फोन आप बोल सकते हो. आफ्टर रीचिंग होम आई फोन्ड हिम, ओके, फ़ोन करना, ओके, तो मैंने उसको कॉल किया, ओके, बट ही डिडंट पिक माई फोन, बट उसने उठाया नहीं, ओके, अटेंड नहीं किया. आई वॉज फीलिंग ब्लू बिकॉज ऑफ दिस, मैं इसकी वजह से क्या फील कर रहा था, आई वॉज फीलिंग ब्लू, इट मीन्स के आई वॉज फीलिंग सैड, ओके, सैड फील कर रहा था, इसकी वजह से कर रही थी. द वेरी नेक्स्ट डे आई वेंट टू मार्केट टू बाय अ ह्यूज पीस ऑफ चॉकलेट फॉर हिम. द वेरी नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे ही मैं मार्केट को गया, जब गई वहाँ से बाय करने के लिए अ ह्यूज इट मीन्स के लार्ज या फिर बिग पीस ऑफ चॉकलेट, ओके, चॉकलेट का एक बड़ा पीस लेने के लिए, फॉर हिम, उसके लिए. एंड आई वेंट टू हर हाउस आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद मैं उसके घर गई, जब गया. आई होल हार्टेडली फेल्ट सॉरी वाइल ऑफरिंग हिम हिज फेवरेट चॉकलेट. होल हार्टेडली इट मीन्स के पूरे दिल से मैंने सॉरी फील किया, वाइल ऑफरिंग, ऑफर करते हुए, या फिर वाइल गिविंग, उसे देते हुए, जब ऑफर करते हुए उसकी फेवरेट चॉकलेट उसे ऑफर करते हुए. इनिशियली शी गॉट एंग्री, या फिर आप बोल सकते हो शी गॉट एजिटेटेड ऑन मी, शी गॉट एंग्री आप बोल सकते हो, ओके, या फिर एजिटेटेड ऑन मी, वो मेरे साथ गुस्सा थी इनिशियली शुरुआत में, बट फाइनली शी वॉज कूल, बट फाइनली वो क्या थी, कूल थी, कूल हो गई, ओके. आई स्टेड एट हिज हाउस अनटिल इवनिंग, इवनिंग तक मैं उसके घर पे रुका या रुकी. एंड हेल्प हिम इन स्टडी, और उसकी हेल्प की मैंने स्टडी में. ही क्लियर्ड हिज प्लेथोरा ऑफ डाउट्स विद माई असिस्टेंस, और उसने क्लियर किए हिज प्लेंटी ऑफ, या फिर बोल सकते हो न्यूमरस, या फिर बोल सकते हो प्लेथोरा, ओके, प्लेथोरा. सो इसका मीनिंग है कि मैनी, अलॉट ऑफ, उसने बहुत सारे क्लियर्ड, ही क्लियर्ड, उसने क्लियर किए अपने डाउट्स, हिज प्लेंटी ऑफ, या फिर न्यूमरस, या फिर प्लेथोरा ऑफ डाउट्स, ओके, उसने क्लियर किए विद माई असिस्टेंस,
या फिर विद माई हेल्प, या फिर विद माई सपोर्ट, मेरी सपोर्ट से, मेरी हेल्प से, या फिर विद माई असिस्टेंस, एंड थैंक्ड मी ह्यूजली एट द एंड. और एंड पे मुझे एंड पे उसने मुझे बहुत ज़्यादा थैंक मी ह्यूजली, इट मीन्स के ग्रेटली, बहुत ज़्यादा मेरा धन्यवाद किया. सो फ्रेंड्स, हेयर आई एंड माई टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.